प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट शराब कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया उपयुक्त अदालत में जारी थी। इस संबंध में मुंबई की अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने का फैसला लिया है। इससे पहले ईडी ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। गौरतलब है कि विजय माल्या बैंकों के साथ 9000 करोड़ रुपए के कर्ज में धोखाधड़ी करने के आरोप में धन शोधन रोधी कानून के तहत एक मामले में वांछित है। और योगेश हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। योगेश, आज जो कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं और कोर्ट की ओर से जो कहा गया है कि विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाए, इसके बाद क्या कुछ फायदा भारतीय एजेंसियों को होगा विजय माल्या को भारत वापस लाने में? देखिए, जो इमीडिएट फायदा है वो प्रवर्तन निदेशालय को वो ये होने जा रहा है कि जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने की बात हो रही है इंटरपोल के जरिए, ताकि विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत उनका प्रत्यर्पण हो सके और जो कार्रवाई है इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामला उनके खिलाफ चला रहा है वो जांच इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, उसमें कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। क्योंकि इंटरपोल के सामने जो निर्धारित मापदंड है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी है कि अगर वो जो एक्यूज्ड है उसको वो अगर भगोड़ा घोषित किया जा रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर है, तो कहीं ना कहीं ये तर्क जो है वो मजबूत होता है। और कोर्ट में जो सीआरपीसी की धारा 82 है उसके तहत जो है आज पीएमएलए कोर्ट ने जो विजय माल्या है उनको इस तरह घोषित कर दिया है कि वो एक भगोड़े हैं। अब देखिए, इस मामले में ईडी आगे क्या करेगा। प्रवर्तन निदेशालय सबसे पहले तो मामला सीबीआई के पास जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में सीबीआई ही नोडल एजेंसी है, और सीबीआई के पास मामला जाएगा, फिर मामला विदेश मंत्रालय में जहां जाएगा एमईए के पास मामला जाएगा, और फिर वहां से आगे जो प्रक्रिया है उसके तहत इंटरपोल तक जाएगा, और फिर विजय माल्या को भारत कैसे लाया जाए उसकी पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगी। तो एक बड़ी जो बाधा थी उस मामले में वो कोर्ट ने आज जो है वो बाधा जो है वो हट गई है। दूसरी बात यह है कि आर्गुमेंट क्या रहा प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोर्ट में। देखिए, दो महत्वपूर्ण आर्गुमेंट रहे जो प्रवर्तन निदेशालय ने आज कोर्ट में रखा। पहला आर्गुमेंट यह था कि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो ये कोर्ट में कह रहा है कि विजय माल्या को यह पता है, उनकी जानकारी में है कि उनके खिलाफ अनबिलेबल वारंट इशू किया जा चुका है, इसके बावजूद वो इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट नहीं करें। दूसरी बात है कि वो मीडिया के जरिए, अलग अलग मीडिया के जरिए, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया के जरिए वो अपने बयान दे रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी चीजें रख रहे हैं जिस तरीके से एक तरफ भ्रम की स्थिति बन रही है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि अभी ईडी ने पिछले दिनों 1411 करोड़ रुपए करीब की संपत्ति जो है मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई से अटैच की है, जो कि विजय माल्या से जुड़ी हुई है। ईडी का यह कहना है कि कुछ संपत्ति ऐसी है जिसको विजय माल्या बेच रहे हैं, तो इसको ईडी इसको किसी भी तरह के तरीके से रोकना ईडी कह रही है इसलिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में जब मामला ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन का है, वो प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, ऐसे मामले में उनका संपत्ति बेचना इसलिए भी लगल है क्योंकि ईडी उस मामले उस संपत्ति को कुर्की करने वाली है, कुर्की जब्ती करने वाली है उन संपत्ति का। तो ये सब जो मजबूत जो बेसिकली आर्गुमेंट थे वो ईडी की तरफ से कोर्ट में दिए गए। अब आगे ईडी क्या स्टेप्स लेती है वो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो लीगल चीज़ें हैं वो लीगली रूप से जो है, जो लीगल एस्पेक्ट से ईडी अब मजबूत हो चुके हैं इस मामले में, और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो आज विजय माल्या को लगा है पीएमएलए कोर्ट से। जी जोशी, चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।